सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। जो चीजें आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। आज का पंचांग 20 मार्च 2023 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 1:45 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र शाम 7:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:57 से 9:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 20 मार्च 2023 दिन सोमवार, भाग्य में द्वेष आपको रुका हुआ और उदासीन महसूस करा सकता है। कोई नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु इससे पहले अपने अंदर झांके और जीवन का परीक्षण करें। दादा दादी या बुजुर्ग आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने अवचेतन पर भरोसा करें और सपनों की सुने। आज का दिन मिलने जुलने का है। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गिले शिकवे दूर होंगे। आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकती हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतें भी आपको हताश नहीं कर सकती। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हमेशा आपकी प्रशंसा करे, सच्चा दोस्त वो है जो हमेशा आपको सही राय दे। आज के दिन बहुत व्यस्त रहेगा, बहुत सारे काम कतार में हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से इन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हिचकिचाएं, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन साथ ही कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी। आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। आप जहां हैं वही रहेंगे, बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकती हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाती हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। आज ख्याली दुनिया में आप खोए रहेंगे। आपके इस व्यवहार से आपके घर वाले परेशान हो सकती हैं। बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी और साथ ही इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी प्राथमिकता रहेगी और सफलता भी मिलेगी। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह में जाने का अवसर भी मिलेगा। नए काम की शुरुआत तेज गति से हो सकती है। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। मेहनत के साथ प्रयत्नों को बढ़ाना होगा। नए लोगों से परिचय होगा और कई नए अवसर प्राप्त होंगे। नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। अवसरों का अवलोकन करके अच्छे अवसर पर भी फोकस करें। करियर की चिंता को दूर करने के रास्ते भी मिलेंगे। रिलेशनशिप संबंधित नकारात्मकता दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ चर्चा कर पाएंगे। सेहत संबंधी दिक्कत को नजरअंदाज ना करें, खास करके जब तकलीफ पेट संबंधित हो। सावधानियां, किसी भी तरह की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। तनाव लेने से कार्य क्षमता प्रभावित होगी। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। किसी मित्र की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की।
पारिवारिक वातावरण सुखद और सामंजस्य पूर्ण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को भी डेटिंग पर जाने के अवसर सुलभ होंगे। रूप रंग और सूरत से ज्यादा आप इंसान की अच्छी सीरत में विश्वास रखती हैं। यही कारण है कि आप रिस्क लेने के बारे में सोचते यही कारण है कि आप रिस्क लेने के बारे में सोचेंगी और कोई बड़ी योजना बनाएंगी। हर बात अपने पार्टनर से शेयर करें, क्योंकि रिश्ता वही सफल होता है जिसमें स्पष्ट बातचीत हो। आज सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है और भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। आप किसी समूह या संगठन का हिस्सा बनेंगे और लोगों से घुले मिलेंगे। किसी सरप्राइज या खास अवसर के लिए तैयार हो जाएं। आपका साथी पूरी तरह से समर्पित है और इसकी यही भावना आपको बेहद पसंद है। आज के दिन बहुत खास है, क्योंकि आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगे। आप इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रही थी। आज सारे राज उनके सामने खोल दें और आप अपनी चिंताएं भी उन्हें स्पष्ट बता दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आ जाएगी और आप दोस्तों तथा एक जोड़े के रूप में भी और करीब आ पाएंगे। बात करते हैं करियर की। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती है, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्य स्थल पर किसी भी विवाद से बचें। आज का दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकती हैं। आज आपकी कड़ी मेहनत को नई पहचान मिलेगी। इससे मैं आपका पूरा ध्यान अपनी विचारों को प्रकट करने पर है, जिससे आप खुद को सफलता के और भी नजदीक पाएंगे। नया स्वरोजगार आपको बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा है। आवेग में आकर आप नियमों को तोड़ सकती हैं, इसीलिए थोड़ा सावधान रहें। आप समझदार हैं और समान विचारों वाले लोग आपको अधिक आकर्षित करते हैं। पुराने दोस्तों से फिर से बातचीत करना एक अच्छा विचार है। पार्टी और लॉन्ग ड्राइव भी आज आपके कार्ड में है। बिजनेस के काम ठीक से पूरे हो जाएंगे। किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। तरक्की भी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। प्रकृति आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का एक मौका दे रही है। आपने अभी हाल ही में एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है, पर टुकड़ों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे। आज इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इससे आपको अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकती हैं। अपने दोस्तों को बोले कि जब आप वर्क आउट कर रही हूँ तो वे आकर आपका हौसला बढ़ाए, आपको प्रेरित करें। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।